हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, विभिन्न फलों के उच्चतम और निम्नतम मानों की गणना करनी है। दूसरी बात, वर्तन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तीसरी, स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम बिंदु को ज्ञात करेंगे हम। और चौथा, निरपेक्ष उच्चतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड निरपेक्ष न्यूनतम मान, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, हम ये सब ज्ञात करेंगे। तो हम इसको समझने के लिए कि हम ये कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, एक्सरसाइज 6.5 शुरू करते हैं। जौन सा भी मेथड यूज़ होगा उसे लेटर आपके ऊपर में बता दी जाएगी कौन सा यूज़ हुआ है मेथड इसमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सिंपल मेथड ही है। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है f(x = 2x - 1)² + 3। तो इसे करने का मेथड सिंपल ही है। शुरू करते हैं चैप्टर उच्चतम, मैं टॉपिक उच्चतम तथा निम्नतम, एक्सरसाइज 6.5। फर्स्ट का ए पार्ट है f(x = 2x - 1)² + 3। अब हमें ये पता है, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। नाउ 2x - 1 होल स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। यह पता है, यह एक पूर्णवर्ग संख्या है। तो ये 0 से बड़ा होगा दोनों तरफ। अब यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ इसमें, तो मैं इधर और इधर दोनों यहाँ पे लिख दो। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्क्वायर की संख्या 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है। तो 2x - 1 होल स्क्वायर + 3, यहाँ 3 प्लस है इसलिए मैंने दोनों तरफ 3 प्लस कर दिया। अब ये पूरा नंबर बन गया fx, और इधर 3 में 0 ऐड करेंगे तो बन गया 3। तो fx बड़ा होगा 3 से, मतलब fx सबसे छोटी संख्या 3 होगी, उससे बड़ी कोई भी संख्या fx की आ सकती है। 3 के इक्वल या 3 से बड़ी सब संख्याओं की, इसका सबसे छोटी जो संख्या है वो 3 है। तो इसलिए f का निम्नतम मान 3 है। अच्छा, अब ये बढ़ता चला जाएगा, 3 से बड़ी कोई भी संख्या, 50, 100, 1000 कुछ भी हम दे सकते हैं, कुछ भी आंसर आ सकता है इसका। तो f का कोई उच्चतम मान नहीं है। बी पार्ट करते हैं इसका, f(x = 9x² + 12x + 2। अब इसको हम पूर्णवर्ग बनाएंगे कैसे, ये सीख लो। ये तुमने सीखा हुआ है 9th क्लास में, ये आपने पढ़ा था कि पूर्णवर्ग कैसे बनाते हैं। तो fx है 9x² + 12x + 2। यहाँ पे हम 2 को हम ये लिख सकते हैं 4 - 2। ये क्यों लिखा है, क्योंकि 9x² + 12x + 4, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, -2। अगर मैं इसको ओपन करूँ ये तो बन जाएगा 3x² होल स्क्वायर। ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जैसे a² ये b², बीच में क्या होता है 2ab होता है, तो 2 × 3x यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से ले लिया, -2 बाहर है, तो ये जो बन जाएगा 3x + 2 होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ये पूर्णवर्ग के फार्मूले आपने सीखे थे, ये उनमें है। तो आप इसको ये सोच रहे होंगे कि 4 कैसे आया, तो इसको देखने के लिए 4 कैसे आया, हमें ये पता है बीच में 2 × ab होता है। तो यहाँ तो हमें पता है कि 3x² होल स्क्वायर, तो 2 × 3, 3 × 6, अब हमें बीच में यहाँ लाना है 12, तो 2 से और गुणा करेंगे तब 12 आएगा। तो
टू का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, तो उस केस में ये थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, ये आ गया हमारा। अब यहाँ लिख दो, हम जानते हैं वी नो दैट कि थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर जो है वो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है, ये वर्ग संख्या है। अब यहाँ ऊपर माइनस टू है तो दोनों तरफ माइनस टू कर दिया हमने। अब ये पूरा बन गया एफ एक्स और ये बन गया माइनस टू, मतलब एफ एक्स की जितने भी आंसर आएंगे वो सब माइनस टू के बराबर या उससे बड़े आएंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या माइनस टू होगी। तो एफ का न्यूनतम मान माइनस टू और इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है। सी पार्ट देखो इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन। हम जानते हैं कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, कोई भी वर्ग संख्या जो है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होती है, यह एक वर्ग संख्या है। अब मैं दोनों तरफ का माइनस ले लूँ, यहाँ माइनस ले लिया मैंने अपनी तरफ से, यहाँ माइनस लिया माइनस जीरो, अगर मैं इसको माइनस जीरो लिखूँ तो माइनस जीरो जीरो बराबर ही होते हैं, और ये साइन तीन चीज़ें इकट्ठी चेंज होती है। यहाँ मैं माइनस जीरो भी लिख सकती हूँ लेकिन माइनस जीरो जीरो बराबर होते हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। तो तीन चीज़ें इकट्ठी बदलती हैं, यहाँ माइनस, यहाँ का साइन और यहाँ का साइन, तो ये दो तो तुम्हें बदली हुई दिख रही हैं। यहाँ मैं अगर साइन माइनस का लगा दूँ माइनस जीरो तो वो भी जीरो के बराबर होता है, इसलिए इसको हमने यही ऐसे ही रख दिया। अब ऊपर दे रखे हैं दस जोड़ना है उसमें, तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दस लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस दस। अब ये पूरा हमें दे रखा है एफ एक्स के इक्वल है, तो ये एफ एक्स हो गया लेस देन इक्वल टू टेन। अब ये था एफ एक्स लेस देन इक्वल टू टेन, मतलब एफ एक्स जो है वो दस के बराबर या दस से छोटा होगा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या दस होगी, दस से ऊपर कोई इसका आंसर नहीं आ सकता। तो उच्चतम मान उसका दस है और कोई भी निम्नतम मान नहीं है, दस से छोटा कुछ भी हो सकता है। अगला ये फोर्थ पार्ट है, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे क्योंकि ये क्यूब है, स्क्वायर होता तो हम आराम से कर लेते हैं। इसको हम करेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा। अब पहले ये समझो कि ये क्या होता है द्वितीय अवकलज परीक्षण। हम इसमें इसके बहुत सारे अभिसम्स आगे आपके आएंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण के, इम्पोर्टेंट है ये वाला परीक्षण, जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अधिकतर वो सब द्वितीय अवकलज परीक्षण से ही हम करते हैं। तो इसको समझो, इसमें क्या है, जब हमें y दिया हो या एफ एक्स हमें दिया होता है, ये हमें दिया होगा तो स्टेप वन क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, अगर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक ही बात है अवकलन करेंगे। दूसरे स्टेप में हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे या फिर अगर एफ डैश एक्स का तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। उसमें क्या होगा, हमें कुछ बिंदु मिल जाएंगे, जब ये जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें कुछ बिंदु हमें फाइंड हो जाएंगे। ये सब अब क्वेश्चन समझाऊंगी तो अब साथ से एक्सप्लेन करूंगी इसको। फिर हम क्या करेंगे स्टेप थ्री में, तो हमें जो बिंदु मिलेगा, मान लिया हमें ए बिंदु मिला, तो ए बिंदु पर हम देखेंगे जो ए बिंदु आएगा, फिर हम करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगर ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अगर ये जीरो से छोटा है एक्स इक्वल टू ए पर, अगर ये जीरो से छोटा है तो मतलब ऋणात्मक होगा और स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु की सबसे बड़ा बिंदु यही होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा और वाई का उच्चिष्ट मान हम जो एफ एक्स होगा फर्स्ट वाला जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसमें एक्स की वैल्यू ए रख के हम उच्चिष्ट मान हम निकाल लेंगे। अगर ये डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर जीरो से बड़ा होता है तो मतलब सबसे छोटी वैल्यू उसकी जीरो होगी, ये धनात्मक होगा
स्थानीय निम्निष्ट बिंदु, क्योंकि सबसे छोटा जीरो नंबर है निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट मान इसका एफ ए से हम निकाल लेंगे। फिर हम करेंगे, और अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर जीरो आता है मान लो, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, सब ब्लैंक जाएगा ये हमारा। फिर हम अगले स्टेप पे आएंगे, स्टेप फाइव, हम उसमें हम निकाल लेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब इज नॉट इक्वल टू, अगर जीरो आता है तब तो ना स्थानीय उच्चिष्ट होगा ना स्थानीय निम्निष्ट होगा, और अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो फिर से अगले स्टेप पे हम आ जाएंगे, या हम फिर से ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसमें हम द्वितीय अवकलन परीक्षण करते हैं। पहले हमें अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, g डैश x हो गया 3x का स्क्वायर। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, g2x इज इक्वल टू 6x। अब मैंने बताया था उच्चतम या निम्नतम के लिए हम जीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ लिखना भूल गए थे, अब लिख लेना वहाँ पे कि जी डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे हम। तो जी डैश एक्स हमारा थ्री एक्स का स्क्वायर है, इसको जीरो के इक्वल रखा, ये थ्री इसके नीचे आ जाएगा, जीरो पॉइंट थ्री बन जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर जीरो आ गया और एक्स जीरो के इक्वल आ गया। अब x इज इक्वल टू जीरो पर g डबल डैश x, अब ये देखते हैं यहाँ पे 6x था ऊपर, x की जगह जीरो रखा तो आंसर आ गया इसका जीरो, g डबल डैश x जीरो हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर जी एक्स ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसी तरह से करेंगे हम। ये हमें दे रखा है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन। अब वी नो दैट, हमें पता है ये बात, हम जानते हैं कि एक्स प्लस टू का मॉड जो होता है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। मॉड की संख्या, मापांक वाली संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी, मापांक हमेशा धनात्मक होता है। अब यह माइनस वन है तो दोनों तरफ मैंने माइनस वन कर दिया, ये तो आ गया एफ एक्स और ये आ गया माइनस वन, मतलब एफ का, अब एफ एक्स के जितने भी आंसर आएंगे वो माइनस वन के बराबर या इससे बड़े होंगे। तो एफ एक्स का न्यूनतम मान माइनस वन है और कोई भी उच्चतम मान नहीं है। साइन फोर एक्स, इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी, साइन फोर एक्स प्लस थ्री, दोनों तरफ तीन जोड़ दो, तो यहाँ तीन जोड़ा, यहाँ तीन जोड़ा, यहाँ तीन जोड़ा, ये तो बन गया एफ एक्स। अब इसका एक स्टेप में ये भी कर सकते हो, टू लाइज बिटवीन साइन, मॉड ले लो इनका दो सब तरफ का, साइन फोर एक्स प्लस थ्री, ये फोर, यहाँ भी मॉड ले लो सबका मॉड लेने पर,
यहाँ तो लिख दो तीन जोड़ने पर और यहाँ मापांक लेने पर। तो ये हो गया साइन फोर एक्स प्लस थ्री एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा मॉड टू टू के इक्वल मॉड फोर फोर के इक्वल। तो एफ का निम्नतम मान टू और उच्चतम मान फोर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट इसका एच एक्स में दे रखा है एक्स प्लस वन और एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लेकर ये कंडीशन दे रखी है। साथ में हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है यहाँ एक्स प्लस वन है तो वन जोड़ने पर सब में वन जोड़ने पर वन जब जोड़ेंगे और घटाएंगे उधर सत्तर जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो और दो के बीच में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्स जीरो और दो के बीच में फॉर्म में नहीं है अतः एफ का ना कोई उच्चतम मान है ना ही कोई निम्नतम। इसको फिर से समझो देखो हमें ये दे रखा है कि एक्स जीरो और टू के बीच में आ गया। अब निम्नतम मान क्या दोगे इसको अगर तुम कहते हो जीरो निम्नतम मान है तो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल टू का तो साइन है नहीं इसमें इसलिए निम्नतम मान जीरो हो नहीं सकता। निम्नतम मान कब जीरो होता है जब ये इक्वल टू का साइन भी होगा तो ये इस फॉर्म में नहीं है इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है तो इसलिए हम मीन कोई उच्चतम मान नहीं दे सकते। अगर कोई कहता है कि चलो मैं वन देता हूँ इसका मान तो 0.1 भी एक नंबर है कोई 0.1 देगा तो उसे छोटे भी नंबर है 0.09 तो हमको इसमें उच्चतम और निम्नतम मान नहीं दे सकते। अगर ये इक्वल टू के फॉर्म में होता तो हम दे सकते थे इसको अब नहीं दे सकते कि ग्रेटर देन लेस देन में हम नहीं दे सकते इसको। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका इसको समझा दिया मैंने आपको द्वितीय अवकलन परीक्षण कौन सा होता है तो ये क्वेश्चंस जो है हम द्वितीय अवकलन परीक्षण से करेंगे। स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम वाले जो क्वेश्चन है वो सब द्वितीय अवकलज मेथड से करेंगे। एफ एक्स है एक्स का स्क्वायर एक्स के साथ पे अवकलन करने पर एफ डैश एक्स टू एक्स के इक्वल हो गया। फिर उच्चतम और निम्नतम के लिए न्यूनतम लिख दो या निम्नतम लिख दो एक ही बात है या नीचे न्यूनतम लिखा है मैंने न्यूनतम निम्नतम एक ही बात है। तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे मतलब टू एक्स जीरो के इक्वल हो गया टू इसके नीचे आ जाएगा तो एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये बिंदु मिल गया एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पुनः एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डबल डैश एक्स ये टू के इक्वल आ जाएगा जीरो से बड़ा होगा ये नंबर धनात्मक है टू जो है नंबर धनात्मक है जीरो से बड़ा है तो सबसे छोटा बिंदु जीरो हो गया मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जो बिंदु लिया हमने ये स्थानीय निम्निष्ट बिंदु होगा। अब इसका मान ज्ञात करना होता है हमें इसमें लिखा है कि स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान भी ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे एफ एक्स मान हमेशा यहीं से ज्ञात करते हैं एफ की वैल्यू रख के तो एक्स की जीरो जीरो का स्क्वायर हो गया तो जीरो आ गया आंसर। तो न्यूनतम मान जो है वो जीरो हो गया इसका। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट जी एक्स दे रखा है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स द्वितीय अवकलन परीक्षण द्वारा करेंगे इसको भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जी डैश एक्स आ गया थी एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री। उच्चतम व निम्नतम मान के लिए निम्नतम या न्यूनतम कुछ भी लिख सकते हो जी डैश एक्स जीरो के इक्वल है थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री जीरो हो गया थ्री कॉमन ले लिया एक्स का स्क्वायर माइनस वन जीरो हो गया इसका जी अगर थ्री इसके नीचे ले आएंगे जीरो को तीन से भाग करेंगे तो भी जीरो जाता है एक्स का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स का स्क्वायर वन के इक्वल और एक्स जो हो गया वो प्लस माइनस वन के इक्वल हो जाएगा मतलब दो वैल्यूज आ गई प्लस वन और माइनस वन। तो हमारा बिंदु है इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जी डबल डैश एक्स
सिक्स एक्स है ये, यहाँ पे एक बार वो जी डबल डैश एक्स निकाल देते हैं, सिक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ निकाल दिया मैंने, तो जी डबल डैश एक्स सिक्स एक्स है मान। अब हमें देखना है ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इसको चेक करना है, तो यह मान के बजाय प्रकृति ले लेते हैं, प्रकृति है, उच्चतम है या न्यूनतम है, तो एक्स की जगह यहाँ एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे, माइनस छः जीरो से छोटा आ जाएगा, मतलब ये उच्चतम है, और ये यहाँ मान यहाँ लेते हैं स्थानीय मान, मान यहाँ पे जी में डालने से लगते हैं, तो माइनस वन वैल्यू रख दी, माइनस वन की क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन, आंसर आ जाएगा टू और माइनस टू। फिर एक्स इज इक्वल टू वन, दूसरा बिंदु वन है, जी डैश एक्स इसमें भी सेम रहेगा, एक्स की जगह वन रख दिया, छः आ गया, छः जीरो से बड़ा होता है, तो मतलब ये निम्नतम, जब जीरो से बड़ा होगा नंबर तो निम्नतम मान, और स्थानीय मान क्या होगा उसका, कि वह जी वाले में हम एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर स्थानीय उच्चतम कोमा स्थानीय उच्चतम मान टू, एक्स इज इक्वल टू वन पर स्थानीय निम्नतम मान माइनस टू। अब थर्ड पार्ट, एच एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स जीरो और पाई बाय टू के, जीरो और पाई बाय टू के बीच में है, एच एक्स सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, एच एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर एच डैश एक्स साइन का बन जाएगा कॉस, और कॉस का जाएगा माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पुनः और फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, द्वितीय अवकलन निकालना है, डबल सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एच डबल डैश एक्स कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, और ये साइन का आ जाएगा कॉस। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखना है, एच डैक्स एक्स ये सॉरी एच डैश एक्स लिखो, एच डैक्स एक्स को जीरो के इक्वल रखना है हमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो के इक्वल, साइन एक्स ये कॉस को इधर ले आएंगे, साइन को इधर ले आए मतलब साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल हैं, अब कॉस को नीचे ले जाएंगे, इसके साइन एक्स अपन कॉस एक्स वन के इक्वल आ गया, साइन अपन कॉस टेन के इक्वल होते हैं, वन की वैल्यू टेन पाई बाय फोर। अब हमें सिर्फ पहले चतुर्थांश में चाहिए, हमें दे रखा है कि एक्स की वैल्यू जीरो और पाई बाय टू के बीच में पहले चतुर्थांश में, तो वन की सिर्फ ए की वैल्यू लेंगे टेन पाई बाय फोर, एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर आ गई, जो कि जीरो और पाई बाय टू को बिलोंग करती है। अब इसके बाद हमें देखना है कि निम्नतम या उच्चतम क्या है ये, तो अब क्या करेंगे, एच डबल ये निम्नतम उच्चतम का एच डबल डैश में एक्स की वैल्यू रखने से पता चलता है, एच डबल डैश एक्स है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू रख दी पाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, एक्स की वैल्यू रख दी हमने पाई बाय फोर, माइनस बाहर है, ये हो गया वन अपॉइंट रूट टू, ये भी वन अपॉइंट रूट टू, दोनों जुड़ गए तो टू अपॉइंट रूट टू माइनस रूट टू, माइनस नेगेटिव नंबर है तो जीरो से छोटा होगा हमेशा, तो मतलब जब ये जीरो से छोटा होता है तो हमें बताया कि वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। उच्चतम मान तो हमें बताया है कि जो क्वेश्चन में लाइन होती है एच एक्स या एफ एक्स जो भी इसमें एच एक्स है मान इसमें रखने से पता चलता है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर रख दी, तो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, टू अपॉन रूट टू, रूट टू आ गया, स्थानीय उच्चतम मान रूट टू, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर पर स्थानीय उच्चतम है, और स्थानीय उच्चतम मान रूट टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब इसमें कंडीशन दे रखी है जीरो और टू पाई के बीच में, मतलब पूरा का पूरा एक सर्कल घूमेगा इसमें, चारों चतुर्थांश में बताना है हमें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स ये कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा, फिर से अवकलन करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा,
उच्चतम या निम्नतम के लिए सब जगह एक ही रूल लग रहा है। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को नीचे ले आएंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब जीरो और टू पाई के बीच में माइनस की माइनस कहाँ कहाँ आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में आता है और चौथे में आता है। अभी पहले हम दूसरे चतुर्थांश को लेके चलते हैं, तो टेन एक्स दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ वन की जगह मैंने रख दिया टेन पाई बाय फोर, दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू जो होती है वो पाई माइनस थीटा होती है, तो ये माइनस हट के पाई माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके तो थ्री पाई बाय फोर और एक्स की वैल्यू आ गई थ्री पाई बाय फोर। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दो कि दो चतुर्थांश में आ रहा है सेकंड और फोर्थ में, तो इसमें इसको मैंने ए पार्ट लिख दिया, सेकंड चतुर्थांश में ए कर दिया। अब इसका बी पार्ट लिया, फोर्थ चतुर्थांश में माइनस होता है टेन में, तो यहाँ पे टू पाई माइनस पाई बाय फोर आता है, फोर टू द एट माइनस वन सेवन पाई बाय फोर आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई सेवन पाई बाय फोर। एक्स की दो वैल्यूज हो गई थ्री पाई बाय फोर और सेवन पाई बाय फोर। अब हमें ये बताना है कि निम्निष्ट किस पे है और मान क्या है इसका। तो पहले हम एक्स इजिकल टू थ्री पाई बाय फोर पर हम चेक करते हैं, लाइन खींच दी, इधर हम सेवन पाई बाय फोर पर करेंगे बाद में। तो एक्स इजिकल टू थ्री पाई बाय फोर पर चेक करते हैं, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ वैल्यू रख दी थ्री पाई बाय फोर, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय फोर, ये मैंने तुम्हें पहले लिखना सिखाया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। तो माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय फोर, यह आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय फोर आ जाएगा ये, और कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर, यह आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय फोर। अब दोनों में माइनस आ गया, वैल्यू रख दी माइनस वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू माइनस टू अपॉन रूट टू, माइनस रूट टू हो गया, जीरो से छोटा मतलब उच्चतम का बिंदु है थ्री पाई बाय फोर। अब इसमें उच्चतम मान बताना है, अब हमने इसमें उच्चतम मान के लिए हमें क्वेश्चनों में क्या लिखा है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स थ्री पाई बाय फोर रख दिया, यहाँ पे फिर से इसको ओपन किया पाई माइनस पाई बाय फोर, ये साइन पाई बाय फोर माइनस माइनस कॉस पाई बाय फोर आ गया, साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, इसकी वैल्यू वन अपॉन रूट टू, इसकी वैल्यू वन अपॉन रूट टू, दोनों ऐड हुए तो टू अपॉन रूट टू, ये आ जाएगा रूट टू। अब ये है एक्स इजिकल टू सेवन पाई बाय फोर, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह साइन पाई बाय फोर रख दिया, इसको लिख दिया टू पाई माइनस पाई बाय फोर। पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि निम्नतम है या उच्चतम है, तो उसके लिए हम एफ डबल डैश में वैल्यू रखते हैं, यहाँ टू पाई माइनस पाई बाय फोर, ये हो गया माइनस बाहर है, माइनस साइन पाई बाय फोर अंदर है, और ये कॉस पाई बाय फोर, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, टू अपॉन रूट टू, रूट टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। अब साइन पाई बाय फोर पर निम्नतम मान निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स के साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर को टू पाई माइनस पाई बाय फोर, फिर इसको फार्मूला लगा देंगे माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर, माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस टू अपॉन रूट टू माइनस रूट टू, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक्स इजिकल टू थ्री पाई बाय फोर पर स्थानीय उच्चतम हो गया और उच्चतम मान रूट टू हो गया, सेवन पाई बाय फोर पर स्थानीय न्यूनतम है और स्थानीय न्यूनतम मान माइनस रूट टू आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, एफ एक्स इजिकल टू एक्स की क्यूब माइनस सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन, एफ डैश एक्स निकाला थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस नौ, फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः तो सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व आ गया, एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे एक्स में थ्री और वन आ जाएगी, वन पे चेक करेंगे उच्चतम है कि न्यूनतम है और थ्री पर चेक करेंगे, वन पे चेक किया हमने एफ डबल डैश वन वैल्यू रखी छः इंटू एक माइनस बारह माइनस छः, जीरो से छोटा उच्चतम बिंदु, थ्री वैल्यू रखी छः आ गया प्लस का, जीरो से बड़ा आ जाएगा ये, तो ये स्थानीय न्यूनतम बिंदु हो गया। अब उच्चतम मान और न्यूनतम मान निकालेंगे, एफ में एफ
में वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स में एफ वन हो गया, या वैल्यूज पुट कर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रख दिया, 19 आ गया, यहाँ 3 है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख दिया, तो ये 15 आ गया। तो उच्चतम मान एक्स इजिकल टू 1 पर स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम मान 19, और एक्स इजिकल टू 3 पर स्थानीय न्यूनतम मान है और न्यूनतम मान 15 आ जाएगा। सिक्स पार्ट जी एक्स एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से बड़ी है, ये कंडीशन साथ में है। तो 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर से अवकलन करो एक्स के सापेक्ष, जी डबल डैश आ जाएगा 4 अपॉन एक्स के क्यूब। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए जी डैश एक्स को 0 इक्वल रखेंगे, तो 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर 0 आ गया, 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये वज्र गुणा करोगे तो एक्स का स्क्वायर 4 के इक्वल और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2, लेकिन यहाँ शर्त में दे रखी थी 0 से बड़ा है एक्स, तो माइनस 2 लेकिन एक्स बड़ा है 0 से बड़ा है दिया है, तो हम ये माइनस 2 हमारा निगलेक्ट कर देंगे, अमान्य कर देंगे हम इसको, ये अमान्य है तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखते हैं कि इस पर 2 पे बिंदु कैसा है, न्यूनतम है कि उच्चतम है। जी डबल डैश में वैल्यू रखेंगे 1/2 आ जाएगा 0 से बड़ा, तो न्यूनतम है, और जी एक्स में वैल्यू रखेंगे तो न्यूनतम मान आ जाएगा 2, एक्स इजिकल टू 2 पर स्थानीय न्यूनतम, और स्थानीय न्यूनतम मान 2 है। सिक्स पार्ट इसका जी एक्स में दे रखा है 1/x का स्क्वायर प्लस 2, अवकलन करेंगे तो माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 2x आ जाएगा, यू अपॉन वी का मेथड लगाएंगे हम, तो माइनस 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस 2x इंटू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 बन जाती है। इसको ओपन करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 2 आगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा यहाँ के लिए, इसको ये कॉमन लेके स्क्वायर स्क्वायर से ये पार्ट कट जाएगी, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 6x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। अब ये आ गया माइनस 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है, मतलब अगर इसमें ये एक्स जी वाला 0 बन जाए तो अपने आप 0 आंसर आना चाहिए उसका आएगा, तो मतलब ये तभी संभव है जब एक्स 0 के इक्वल होगा, या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको वज्र गुणा कर दो तो ये 2x 0 के इक्वल आ जाएगा, उससे भी एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें एक्स इजिकल टू 0 पर जी डबल डैश एक्स निकालेंगे, माइनस 1/2 0 से छोटा आ जाएगा, इससे हमें पता है ये कौन सा बिंदु बन गया, 0 से छोटा है तो स्थानीय उच्चतम बिंदु बन गया, और उच्चतम मान हम निकाल लेंगे, एक्स 0 है वैल्यू 0 रख के, तो लिख देंगे एक्स इजिकल टू 0 पर स्थानीय उच्चतम, और स्थानीय उच्चतम मान आ गया 2 के इक्वल। अब एट्थ पार्ट है इसका, एफ एक्स में दे रखा है एक्स रूट 1/x और एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये यू वी मेथड लगाओगे, दो फलन है इसमें, यू वी मेथड लगाओगे सॉल्व करोगे आप सारा इसको, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करोगे एफ डबल डैश आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे अपने आप, तो यहाँ पे माइनस 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया ऊपर अंश में, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, अभी इस एलसीएम को नीचे लिया है 1 माइनस एक्स के साथ, यहाँ 1 माइनस एक्स के पावर 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स के पावर 1 अपॉन 2 है, आधार समान है तो घाते ऐड हो जाती हैं, तो इन 1 और 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और ऊपर 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स को 0 के कुल रखोगे,
तो ये तो पूरा नंबर इधर जाके जीरो बन जाएगा, टू माइनस थ्री एक्स जीरो के एक और एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन थ्री। अब टू अपॉन थ्री पर देखते हैं उच्चतम है या न्यूनतम है, तो टू अपॉन थ्री पर हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एक्स की जगह हम टू अपॉन थ्री रख देंगे, ये आपकी ऋणात्मक वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी, जीरो से छोटी है तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। और टू अपॉन थ्री पर उच्चतम मान क्या होगा, एफ में वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद टू रूट थ्री अपॉन नाइन। तो लिख देंगे एक्स इजिकल टू अपॉन थ्री पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान टू रूट थ्री अपॉन नाइन। यहाँ पे हमें एक्स इजिकल टू अपॉन थ्री ये बिंदु भी हमें लिखना है। हमें इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, हमें इसमें ये बताना है कि इसमें उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। अब एफ एक्स है ई की पावर एक्स के इक्वल, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल होने चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स जीरो के इक्वल होना चाहिए मतलब, लेकिन यह संभव नहीं है। ई की पावर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती, क्यों, क्योंकि ई का मान हमेशा दो और तीन के बीच में रहता है। अतः एक्स के किसी भी मान के लिए फलन परिभाषित नहीं है, अतः फलन ना फलन का कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। सेकेंड पार्ट है जी एक्स इजिकल टू लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जी डैश एक्स वन अपॉन एक्स आ जाएगा। उच्चतम और न्यूनतम के लिए जी डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, वन अपॉन एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, इसकी वजह गुणा करो वन इज इक्वल टू एक्स इंटू जीरो, एक्स को जीरो से गुणा करोगे जीरो आएगा। वन और जीरो कभी भी बराबर नहीं होते, यह संभव नहीं है। एक्स के किसी भी मान के लिए फलन परिभाषित नहीं है, अतः फलन एफ का कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एच डैश एक्स ये थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए एच डैश एक्स जीरो के इक्वल होगा, एच डैश एक्स की वैल्यू थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, ये वैल्यू ए की वैल्यू तीन, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू वन। ये हम इसमें रख देंगे, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट माइनस एट आ जाएगा सॉल्व करके, तो माइनस वन जो होता है वो आई स्क्वायर के इक्वल होता है, पिछले साल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी, पर तो एट आई का स्क्वायर हो गया अपॉन सिक्स हो गया, टू को कॉमन ले लेंगे, एट का होता है टू रूट टू, टू कॉमन लेंगे, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू आई अपॉन सिक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट टू आई अपॉन थ्री। अब हमें यह एक सम्मिश्र संख्या जो आपने इलेवेंथ में पढ़ी थी, इसमें काल्पनिक भाग भी है, इसका मतलब ये जो है वो रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारे फलन एक्स इज इक्वल टू आर के लिए हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन परिभाषित नहीं है, अतः फलन एफ का कोई भी उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। अब है निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान, इसमें हम सिर्फ एफ डैश एक्स निकालेंगे, निरपेक्ष मानों के लिए एफ डबल डैश हम नहीं निकालते। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स की वैल्यू और निरपेक्ष मान जहाँ भी होंगे वहाँ इंटरवल हमें जुड़ दिया होता है, ये इसकी पहचान है, जहाँ भी इंटरवल हमें दिया होगा वो उसमें हमें निरपेक्ष मान हमें निकालने, इसका मतलब तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू और टू, अब करण करो एफ के सापेक्ष एफ डैश एक्स थ्री एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, थ्री एक्स का स्क्वायर जीरो, एक्स का स्क्वायर जीरो, एक्स जीरो आ गया, जीरो जो है जो भी नंबर आएगा वो माइनस टू टू के बीच में आएगा, इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए वो आंसर आपका। अब हमारे पास तीन हो गए, एक्स इजिकल टू जीरो जो हमने निकाला है, एक्स इजिकल टू माइनस टू जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरवल, और एक्स इजिकल टू टू, इन दोनों पे हम एफ का मान निकालेंगे, एफ जीरो जीरो आ गया, एफ माइनस टू माइनस एट आ गया, एफ टू रखेंगे तो एट आ जाएगा, टू की घात
तीन एट आ जाएगा। तो हमें उच्चतम और निम्नतम मान बताना है। सबसे बड़ा मान आठ है, ये दो पर है, तो x इक्वल टू पर निरपेक्ष उच्चतम मान आठ। सबसे छोटा मान माइनस एट है, x इक्वल टू माइनस टू पर निरपेक्ष निम्नतम मान माइनस एट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो और पाई के बीच में है। अवकलन करो, एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें उच्चतम और निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स अपन कॉस एक्स वन के इक्वल, टेन एक्स टेन पाई बाय फोर के इक्वल। हमें जो इंटरवल दे रखा है जीरो और पाई के बीच में दिया हुआ है, जीरो पाई के बीच में पाई बाय फोर लाइक करते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम पाई बाय फोर लेंगे सिर्फ। अब तीन वैल्यूज आ गई, जीरो पाई बाय फोर और पाई। एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जीरो रखेंगे तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो वन आ गया, पाई बाय फोर रख देंगे साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू आ गया। और यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे साइन पाई प्लस कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, साइन पाई जीरो होता है, तो माइनस वन आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मान रूट टू है, सबसे छोटा मान माइनस वन है, तो हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर पर, एक्स इक्वल पाई बाय फोर है, इस पर निरपेक्ष उच्चतम मान रूट टू है, और एक्स इज इक्वल टू पाई पर माइनस वन है, तो निरपेक्ष न्यूनतम मान माइनस वन है। थर्ड पार्ट इसका, ये हमें दे रखा है एफ एक्स फोर एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस टू और नाइन अपॉन टू के बीच में है। आप कलन करोगे तो फोर माइनस वन अपॉन टू इंटू टू एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस एक्स आ गया इसमें। फिर उच्चतम और निम्नतम मान के लिए अपडेश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू फोर, फोर जो है माइनस टू और नाइन अपॉन टू के बीच में लाइक करते हैं। तीन वैल्यूज आ गए माइनस टू फोर और नाइन अपॉन टू, इस पर हम एफ का मान निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, इन तीनों पे सॉल्व करेंगे माइनस टू फोर और नाइन अपॉन टू पे, यहाँ माइनस दस आ जाएगा, यहाँ एट आ जाएगा, यहाँ सेवन पॉइंट एट सेवन फाइव आ जाएगा। उच्चतम मान आठ है और न्यूनतम मान माइनस दस है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला भी नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर इंटरवल दे रखा है माइनस थ्री एंड वन, तो टू एक्स माइनस टू। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स जीरो होंगे, टू एक्स माइनस टू जीरो और एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, ये थ्री और वन ये इसमें दे रखा है हमें, बीच की तो नहीं आई, लास्ट वाली आ गई, वन दे रखा है इसमें हमें, तो माइनस थ्री और वन पे हम वैल्यूज निकाल लेंगे। माइनस थ्री पे उन्नीस आएगी, वन पे तेरह आएगी, तो उच्चतम मान उन्नीस हो गया और ये तीन आएगी, उच्चतम मान उन्नीस हो गया हम एक्स इजिकल टू माइनस थ्री पर, और न्यूनतम एक्स इजिकल टू वन पर थ्री हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सिक्स है, यदि लाभ फलन पी एक्स इक्यालीस माइनस सेवेंटी टू माइनस एटीन एक्स से प्रदत्त है, तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। सेम वही मेथड है आपका इसमें, कि पी डैश निकालेंगे हम माइनस सेवेंटी टू माइनस थर्टी सिक्स एक्स, पी डबल डैश एक्स निकाल देंगे हम, या जगह माइनस थर्टी सिक्स। तो उच्चतम न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स, यहाँ पे एक्स वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, तो माइनस टू पर उच्चतम बिंदु है, उच्चतम लाभ हम पी एक्स में वैल्यू रख देंगे। सेम वही मैथड है कि जो आपने करा द्वितीय अपकलन मैथड। अगला है एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स की पावर फोर माइनस एट एक्स का स्क्वायर, एट एक्स क्यूब प्लस बारह एक्स का स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। सेम वही मैथड, एक्स का सापेक्ष अवकलन करोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू और एक्स माइनस टू आ जाएगा। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए, अब ये तो जीरो हो नहीं सकता एक्स का स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि ये वर्ग संख्या है, दो जोड़ देंगे तो इसका मान कम से कम टू तो आएगा ही, जीरो तो आ नहीं सकता। अब बारह भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या रहा एक्स माइनस टू ही जीरो के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी। इसमें हमें इंटरवल दे रखा है, इसलिए हम इसमें निरपेक्ष मान निकालेंगे, एफ डबल डैश हम नहीं निकालेंगे इसमें,
तो तीनों पे वैल्यू निकाल लेना, जीरो पे, टू पे, थ्री पे। ये पे 25 आ जाएगी, माइनस 39 आ जाएगी, 16 आ जाएगी। जीरो पे निरपेक्ष औसत मान 25 आ जाएगा और न्यूनतम मान माइनस 39। आठवां क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है साइन 2x के इक्वल, अंतराल हमें दे रखा है 0 से 2 पाई, मतलब इसमें हमें निरपेक्ष मान निकालना है। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, इसमें हमारी अब कॉस 0 से 2 पाई अंतराल है तो कॉस 2x हमारा 0 के इक्वल हो गया। अब 2x जो है वो 2n+1π/2, ये आपने 11th में पढ़ा था जनरल फार्मूला। तो n को वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 देते हैं 2x को, तो ये 0 देंगे तो π/2 आ जाएगा, 1 देंगे तो 3π/2 आ जाएगा, 2 देंगे वैल्यू यहाँ पे तो 5π/2 और 3 देंगे तो 7π/2 आ जाएगा। ये अब x की वैल्यू 5/4, 3π, ये 2 इधर सबके नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 तो 5/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 आ जाएगा। अब इस पर हम वैल्यू सबकी निकालेंगे, सब वैल्यूज हम निकालेंगे, 0 पे निकालेंगे, पाई बाय फोर पे, 3π/4, 5π/4, 7π/4 और 2π पे, सब पे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अब उच्चतम मान हमें बताना है, ये 1 आ रहा है, किस किस पे आ रहा है, पाई बाय फोर पे आ रहा है और 5π/4 पे, इसका उच्चतम मान आएगा 1। यहाँ पे आंसर साथ में हम लिख देंगे। 9th क्वेश्चन, एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, अब इसमें इंटरवल नहीं दिया है, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे, उच्चतम मान न्यूनतम मान, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये अपने बाप 2-3 बार पहले भी कर चुकी हुई चीज, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स को नीचे ले आएंगे, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 1 की वैल्यू 5/4 है। अब ये एन की वैल्यू, एन एक्स की वैल्यू, एन पाई प्लस 5/4 या फिर 11th में कर चुकी हुई जनरल फार्मूला। अब हम इसकी वैल्यूज 2-3 नंबर पर निकाल लेंगे, 0, 1, 2 पे, 5/4 पे, 5 यहाँ 0 रखेंगे तो 5/4 आएगा, 1 रखेंगे तो 5π/4 आएगा, या 2 रखेंगे तो 9π/4 आएगा। तो इन तीनों पे हम वैल्यूज निकाल लेंगे, और क्योंकि इसमें हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ा क्योंकि हमें इंटरवल नहीं दिया था। अब हम देखते हैं जी 0 से छोटा आ रहा है तो उच्चतम मान है, और उच्चतम मान अंडर रूट 2 हो जाएगी वैल्यू। 5π/4 को सॉल्व करोगे तो इसमें ये अंडर रूट 2 0 से बड़ा आ जाएगा न्यूनतम, और इसका न्यूनतम मान हम इसमें निकाल लेंगे, हमें चाहिए उच्चतम, तो ये तो न्यूनतम आ रहा, तो इसको छोड़ दो, मत करो इसको, आगे न्यूनतम आ जाएगा। अब 9π/4 पे चेक करते हैं तो -√2 आएगा इसका, यहाँ पे कैसे करेंगे, 9π/4 पे 2π+π/4 कर देंगे इसको, और साइन 2x+θ जो है वो 2θ के इक्वल होते हैं, तो साइन 2π/4 है, -√2 0 से छोटा आ जाएगा, और ये उच्चतम वैल्यू है, ये भी √2 आएगी, सेम वैल्यू आएगी, तो अतः उच्चतम मान, इसमें खाली उच्चतम मान पूछा गया, √2 इसमें आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन, एफ एक्स हमें दे रखा है इसमें, और हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इंटरवल दिए हैं 1, 3 और -3 और -1, इंटरवल दिया तो निरपेक्ष मान निकालना है, मतलब एफ डबल डैश एक्स हमें इसमें नहीं निकालना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स हो गया 6x²-24, 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और 2। पहले अंतराल है 1, 3, फर्स्ट पार्ट है इसका, तो 2 जो है 1, 3 के अंदर आता है, 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3 तीनों पे वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, 85, 75, 89। 3 पर उच्चतम मान 3 पर आ रहा 89। फिर हम -3 और -1 के बीच में नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि -2 आए थे हमारे एक्स की वैल्यू, -2, -3, -1 के बीच में होता है, इसमें हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो 125, 139 और 129, ये सब एफ एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें। तो उच्चतम मान x-2 पे उच्चतम होगा और वैल्यू होगी 139। 11th क्वेश्चन में भी हमें अंतराल दे रखा है 0 to 2, अतः निरपेक्ष मान निकालना है। एफ एक्स हमें दे रखा है, हमें ये भी दे रखा है कि उच्चतम है, एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे। अब अंतराल 0 to 2 है और x इज इक्वल टू 1 पर ये उच्चतम है, ये हमें दिया हुआ है। अब जब x इज इक्वल टू 1 पर उच्चतम है, इसका मतलब एफ डैश 1 जो वो 0 इक्वल होगा,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ की वन वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 120। 12वां क्वेश्चन, इसे भी अंतराल में दे रखा है 0 to 2π, मतलब f डैश f डबल डैश x हमें नहीं निकालना है। एफ एक्स है x प्लस साइन 2x, एक्स के साथ एक अवकलन करेंगे हम, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 cos 2x into 2 1 + 2 cos 2x, कॉस टू एक्स की वैल्यू ये उच्चतम के लिए न्यूनतम उच्चतम के लिए एफ डैश एक्स को 0 के कोल रखेंगे, कॉस टू एक्स आ जाएगा -1/2, 2/4 में होता है ये माइनस, तो -π/3, तो इसमें आ जाएगा सेकेंड चतुर्थांश में कॉस टू एक्स आ जाएगा कॉस पाए -π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी π/3। तीसरे चतुर्थांश में भी कॉस माइनस होते हैं, यहाँ पाए +π/3, 2x = 4π/3 और एक्स की वैल्यू ये 2 to the 4 2π/3 आ जाएगी। अब हमें 0π/3 2π/3 और 2π, इन चारों पे वैल्यू में एफ का मान निकालना है, एफ की वैल्यू रखनी है। ये वैल्यूज रखोगे एक 0 आएगा, 0 पे 0 आ जाएगी, π/3 पे π/3 प्लस √3/2 आ जाएगी, 2π/3 पे π/3 प्लस √3/2 आ जाएगी और 2π पे π आएगी, उच्चतम मान हो गया 2π और ये किस पे 2π पे 2π है, तो 2π पे उच्चतम और उच्चतम मान भी 2π है और 0 पे 0 है, 0 पे न्यूनतम है और न्यूनतम मान भी 0 है। ये आज आपके इसके 12 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि द्वितीय अवकलज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे के सब क्वेश्चंस में यूज़ होगा, जो कि क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के। ओके, थैंक यू।